हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अकाउंट्स विद अनुजा। और मैं हूं आपके साथ सीए अनुजा फुलेचा। जैसे कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था, मैं आज आपके सामने प्रेजेंट हूं अपना फर्स्ट टॉपिक लेके, दैट इज अकाउंटिंग रेशियोज। स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग रेशियोज के साथ। अकाउंटिंग रेशियोज की क्या जरूरत है? अकाउंटिंग रेशियोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हुए एक कंपनी की परफॉर्मेंस बताने में एट अ ग्लांस बहुत जल्दी बहुत मदद करता है। कंपैरिजन करता है फाइनेंशियल डेटा का। इम्पॉर्टेंट टूल है फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इवैल्यूएट करता है लॉन्ग और शॉर्ट टर्म पोजीशन ऑफ द कंपनी, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। ये सारी चीजों को पता करने में अकाउंटिंग रेशियो हमारी बहुत हेल्प करते हैं। कितने टाइप के रेशियोज हैं हमारे पास? 4, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, एक्टिविटी एंड लीवरेज रेशियोज। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लिक्विडिटी रेशियोज के साथ। तो जो फर्स्ट लिक्विडिटी रेशियो हमारे पास है वो है करंट रेशियो। करंट रेशियो नाम सुनते ही आप समझ सकते हैं कि वो ऐसी चीजों के साथ डील करता होगा जो करंट यानी एक साल से कम, या मैं बहुत टेक्निकली अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात करूं तो जिसकी लाइफ साइकिल जो है वो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट होने की होती है, उन्हें हम कहते हैं करंट, या तो एसेट्स या फिर लाइबिलिटीज। सो करंट रेशियो ऑब्वियसली डील करता है करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज से। करंट रेशियो हमें बताता है कि हमारे कंपनी की जितनी भी आउटसाइड करंट लाइबिलिटीज हैं, जो कि हमें ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ्स से 1 ईयर के बीच में कंप्लीट कर देनी है, फिनिश कर देनी है, उनको मीट करने के लिए हमारे पास कितने करंट एसेट्स हमारे पास अवेलेबल है। सो करंट रेशियो का फॉर्मूला आता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। आइडियल रेशियो हमारे पास है 2:1। ये मेजर करता है फर्म्स एबिलिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज देयर आर टू कंपनीज, कंपनी ए एंड कंपनी बी। कंपनी ए के करंट एसेट्स हैं 200 मिलियन, कंपनी बी के भी करंट एसेट्स हैं ₹200 मिलियन। करंट लाइबिलिटीज हैं कंपनी ए की 100 मिलियन एंड करंट लाइबिलिटीज कंपनी बी की हैं 400 मिलियन। अगर हम करंट रेशियो को अलग हटा के भी ये समझने की कोशिश करें कि कौन सी कंपनी बेटर है, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि कंपनी ए अपने करंट एसेट्स से अपने करंट लाइबिलिटीज को बहुत अच्छे से मीट अप कर सकती है, रादर देन कंपनी बी जिसके करंट एसेट्स जो है करंट लाइबिलिटीज से काफी कम है। हेंस करंट रेशियो एट अ ग्लांस हमको ये बताने में हेल्प करेगा कौन सी कंपनी का परफॉर्मेंस शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में बेटर है। ओके, सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का फर्स्ट रेशियो, करंट रेशियो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ लेकर आऊंगी क्विक रेशियो। थैंक यू सो मच। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय अकाउंट। थैंक यू सो मच।